Marajwad, MBBS and MD from Latin America. Today's topic of discussion is about sixth cranial nerve, जिसको हम abducens nerve भी कहते हैं. इसको स्टडी करते हैं. नर्व ये कौन सी नर्व है? ये प्योर मोटर नर्व है. न्यूक्लियस के हिसाब से इसमें देखा जाए तो एक ही न्यूक्लियस होता है, मोटर न्यूक्लियस. वन मोटर न्यूक्लियस इसमें मौजूद है. लोकेशन की स्टडी करते हैं. लोकेशन कहाँ पे ये है? लोकेट वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पोन्स पे है, ठीक है. यानी फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, ये जो सारी चार नर्व्स हैं ये हमारी पोन्स में मौजूद होती हैं, ठीक है. एस्पेक्ट को देखना इंपॉर्टेंट है कि डॉर्सल एस्पेक्ट पे कौन सी आ रही है, लेटरल एस्पेक्ट पे कौन सी है, वेंट्रल पे कौन सी है, ठीक है. आगे कोर्स देखते हैं. कोर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका न्यूमेरिक मैंने बनाया है PMIOSOFT, ठीक है. पीछे जितने भी न्यूमेरिक्स बने हैं, पिछले जितने भी हमारी क्रैनियल नर्व्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे ना, फोर्थ जैसे देख लें या थर्ड क्रैनियल नर्व देख लें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग AOSOFT, पाकिस्तान मुस्लिम लीग OSOFT, ठीक है. मीन्स इस तरह से मैंने बनाए हैं. तो यानी थोड़ी सी चीजें आगे पीछे करके आप उसका न्यूमेरिक बना लेते हैं, PMIOSOFT, ठीक है. अब ये किस तरह से बने इसको जाके देखते हैं. अब ये क्रैनियल नर्व जो है ये हमारी पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में होती है. यहाँ से गुजरते हुए जाती है मिडल क्रैनियल फोसा के अंदर, उसके बाद ये चली जाती है इन्फीरोलैटरल टू कवर्नस पास और पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तरफ जाती है. उसके बाद ये आगे जाके इसमें सुपीरियर ऑर्बिटल फ्यूजर के थ्रू ये चली जाती है ऑर्बिट में. ऑर्बिट में जब जाती है तो यहाँ पे सप्लाई करती है किसको? लैटरल रेक्टस मसल को, जिसको हम LR6 भी कहते हैं, ठीक है. SO4 हमने पढ़ा था ना, सुपीरियर ऑब्लिक फोर्थ था, फोर्थ क्रैनियल नर्व. तो ये जो है LR6 है, लैटरल रेक्टस मसल, ठीक है. सिक्स क्रैनियल नर्व जो होती है लैटरल रेक्टस मसल को ब्लड सप्लाई करती है. अब ये इसका एक्शन देखेंगे तो एक्शन इसका ये, क्योंकि लैटरल है ना, तो ये एबडक्शन करवाएगी, ठीक है. एबडक्शन ऑफ आईबॉल, ठीक है. अगर मीडियल होती तो ये एडक्शन करवाती, मीडियल रोटेशन करवाती, लेकिन अब ये लैटरल है तो ये क्या करवा रही है? एबडक्शन करवा रही है. तो यहां तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सी नर्व है, कितने इसमें न्यूक्लियस हैं, लोकेशन इसकी क्या है, इसका टोटल कोर्स क्या है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसी हैं और उसके बाद हम उसके कुछ MCQs सॉल्व करेंगे. गाइज, इस स्लाइड में जो है हम लेजेंस की बात करेंगे जो सिक्स क्रैनियल नर्व की वजह से होते हैं, और इसके अलावा कुछ MCQs भी हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लेजेंस की वजह से क्या होगा. LR6 हमने पढ़ा था ना, लैटरल रेक्टस मसल जो है वो सिक्स क्रैनियल नर्व को सप्लाई करता है. तो जब इसका लेजन होगा, लैटरल रेक्टस मसल क्या है, वो पैरालाइज हो जाएगा. जब लैटरल वाला जो है वो पैरालाइज होता है तो मीडियल इसको ओवरकम करता है, तो मीडियल रेक्टस मसल विल ओवरकम. अब मीडियन है ना, तो ये एडक्शन करवाता है, ठीक है, करीब लाएगा, एडक्शन करीब, ठीक है. और लैटरल हो तो ये एबडक्शन करवाता है, ठीक है. यानी मीडियन रेक्टस मसल जब ओवरकम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एडक्शन हो जाएगी आई बॉल की और वो मीडियली रोटेट करेगी. अब लेजेंस में इसके अलावा एडक्शन ऑफ आई बॉल और मीडियल रोटेशन के अलावा भी ये होता है कि इसमें मजीद और लेजेंस देखे जाते हैं. उसमें आपके पास जो है ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस हो जाती है, मीडियल पोन्टाइन सिंड्रोम हो जाएगी, लॉकिन सिंड्रोम होगी, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी. ये डिफरेंट किस्म के सिंड्रोम्स हैं. आप जब मजीद इसकी हम डिटेल में जाएंगे, इसके मसल्स को देखेंगे, तो उसके बाद उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को मजीद खोल खोल के पढ़ेंगे, तो उसमें हम आगे चल के इन चीज़ों को टोटली डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे. तो अब हम कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं सिक्स क्रैनियल नर्व के हवाले से. विच नर्व इज प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ कवर्नस साइनस. MCQ नंबर वन है कि कौन सी वाली नर्व है जो कि कवर्नस साइनस की कैविटी में मौजूद होती है. ट्रोक्लियर नर्व, ऑक्लोमोटर नर्व, एबड्यूसर नर्व और फेशियल नर्व. तो इसका ऑप्शन है एबड्यूसर नर्व, ठीक है. सिक्स क्रैनियल नर्व जो है ये हमारी कवर्नस साइनस की कैविटी में मौजूद होती है. एक पेशेंट है, कम्स विद कंप्लेन ऑफ डिप्लोपिया, उसको हो गया है फॉर 2 मंथ से. ऑन एग्जामिनेशन जब आप करते हैं, देर इज मीडियल स्क्विंट, ठीक है. मीडियल है यानी मीडियल रोटेशन हो रही है, तो इसका मतलब उसको एडक्शन हो रही है ना, ठीक है. जिसकी वजह से उसको आगे जाके पेशेंट जो है वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट कर रहा है डिप्लोपिया के साथ.
तो विच क्रेनियल नर्व इज इन्वॉल्व, तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स क्रेनियल नर्व और सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। मीडियल स्क्विंट में के लिए कौन सी वाली नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सिक्स क्रेनियल नर्व। तो यहाँ तक जो है हम सिक्स क्रेनियल नर्व तक अपनी आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो कि ये आपको अच्छी लगी होगी और निम्यूनिक अच्छे लगे होंगे, MCQs पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह।